मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडा थाने क्षेत्र के पुलिस ने संदिग्ध खाद्य पदार्थों से भरी गाड़ी को कब्जे में लिया है। मुंडा पांडे थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध खाद्य पदार्थ से भरी वैन पकड़ी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस विभाग की टीम ने सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे हैं। जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडा दलपतपुर चौकी इंचार्ज विनोद कुमार गोले को कई दिनों से मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि मारुति वैन में मिलावटी खाद्य पदार्थ भरकर चमरोआ फाटक से सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर चमरोआ फाटक से मारुति वैन को दलपतपुर चौकी इंचार्ज ने ड्राइवर सहित पकड़ लिया और चौकी ले आए। खाद्य विभाग सुरक्षा अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि मारुति वैन के चालक द्वारा बताया गया है कि वह मुरादाबाद के कटरा बाजार से प्रोटीन पाउडर की एक बोरी रिफाइंड टीन के 18 पीपे लिक्विड शुगर की दो कैने मारुति वैन में भरकर सप्लाई के लिए ले जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर चमरोआ फाटक से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है और खाद्य पदार्थ के सैंपल भरकर जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। यदि उनमें कोई खामियां दिखाई दी तो मारुति वैन चालक मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मारुति चालक नईम निवासी टांडा को हिदायत देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश वर्मा ने बाकी के खाद्य पदार्थ मारुति वैन सहित दे दिए और कहा कि जब तक खाद्य पदार्थों की जांच नहीं होकर आती तब तक यह तुम्हारी जिम्मेदारी और निगरानी में रहेंगे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मुरादाबाद से संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट। बरामद किया आज दलपतपुर चौकी में आपने? हाँ, ऐसा था कि आज सुबह हमारी डीओ साहब का फोन आया कि दलपतपुर पुलिस चौकी पे एक गाड़ी में कुछ संदिग्ध खाद्य पदार्थ रखे गए हैं और उसे जाके चेक किया जाए। तो हम लोग खैर समय से दलपत पुलिस से भी पाए तो एक ओमनी वैन थी, ओमनी वैन में वेजिटेबल आयल रखा हुआ था और जार में दो काले ब्लैक जार में कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ें थी जिसको कि विक्रेता नईम द्वारा ये बताया गया कि ये जो है वो शुगर है, लिक्विड शुगर है, ठीक है। और इसके अलावा एक बोरी में जिसमें कि कुछ भी अंकित नहीं था, तो उस बोरी के अंदर नईम द्वारा ये बताया गया, जो विक्रेता थे ले जा रहे थे, बताया गया कि ये प्रोटीन पाउडर है। तो उक्त तीनों खाद्य पदार्थों का रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, पॉमिलिन ऑयल था और ये प्रोटीन पाउडर का और लिक्विड शुगर का, इन तीनों का नमूना जो है जांच हेतु संकलित करके सील पैक कर लिया गया है। इसको आज ही जो है कुरियर द्वारा, डाक द्वारा, किसी द्वारा भेज दिया जाएगा जांच के लिए और इन सारी चीज़ों, सारे खाद्य पदार्थ को जब्त करके विक्रेता नईम के अभिरक्षा में दे दिया गया है और यह उसको इनको हिदायत दी गई, आप तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक कि इसका परिणाम, रिजल्ट या जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है। सर कितना माल था? माल लगभग 18 टीन तो आपका रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल था और वो 15 केजी के टिन में था। इसके बाद 50 लीटर ये था लिक्विड शुगर जो कि दो जार में रखा हुआ था और 20 किलो की बोरी जो थी वो थी प्रोटीन पाउडर की। 20 केजी की बोरी में वो प्रोटीन पाउडर था। प्रोटीन पाउडर और लिक्विड शुगर जिसमें रखा गया था वो संदिग्ध लगा। रिफाइंड ऑयल खैर कंपनी का था, उस पर लेबल वगैरह लगे थे, लेकिन तीनों खाद्य पदार्थों को जाँच के लिए भेजा जा रहा है। जैसी रिपोर्ट आएगी अग्रिम कार्रवाई की। सर क्या नाम आपका? हमारा नाम मुकेश कुमार। सर इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी का प्रावधान भी नहीं है हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ यह नमूना भर लिया जाता है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम अग्रिम कार्रवाई करते हैं। सर पहले से भी ये काम करता था कोई? इस बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि ये खाद्य कारोबार करता रामपुर के निवासी हैं, टांडा के रहने वाले हैं और टांडा में ही काम करते हैं। यहाँ से मार्केटिंग करके मुरादाबाद से ले जाते हैं तो, लेकिन हमारे विभाग का मुरादाबाद में इनका कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। इन्होंने ये बताया है कि रामपुर जनपद का हमारा खाद्य लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो इनको यहाँ भी लाइसेंस लेके और सही चीज़ों का वो करें और साथ ही इन चीज़ों का कोई बिल वाउचर नहीं पाया गया। ठीक है, खाद्य पदार्थ JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।